ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है सितंबर 12, 1968। कई मीठे मीठे बच्चे हैं जिनको बाप को याद करने में तकलीफ होती है, समझते हैं बाबा देखने में तो आता नहीं है, प्रैक्टिस पड़ी हुई है 63 जन्म साकार को देखने की, तो साकार को ही देखते रहते हैं। तो देखने का जैसे शौक हो गया है, किसको देखने का है? साकार को देखने का शौक हो गया है। अब वास्तव में बाबा कोई शिव बाबा जिसको कहते हैं वो साकार तो नहीं है, वो तो आत्माओं का बाप है, आत्माएं सब निराकार हैं, बिंदु बिंदु हैं, उन निराकार आत्माओं का बाप शिव बाप है, उसके साथ सिर्फ बाप का संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं जुटता, उसको ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, बाबा नहीं कहेंगे, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदी का ही नाम शिव है, वो शिव बाप जब तक कोई साकार में प्रवेश न करे तब तक बाबा नहीं कहा जा सकता। तो साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। तो 63 जन्म जो साकार बाबा को देखने की रग पड़ी हुई है वो छूट जानी चाहिए। अभी समझाया जाता है कि आत्मा पतित हो पड़ी है, वो आत्मा पावन कैसे बने, साकार को देखने से पावन बनेंगे क्या? साकार अनेक जन्म लेते लेते सुख दुख भोगते भोगते स्वयं ही वो आत्मा कमजोर हो जाती है, पतित बन जाती है। आत्माओं का बाप उस पतित तन में ही आता है, तो पतित साकार को देखने से कैसे पावन बनेंगे? परंतु साकार के बगैर निराकार बाप कोई काम नहीं करते, वाचा भी नहीं चला सकते, दृष्टि भी नहीं दे सकते, कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं कर सकते,
तो सवाल है पावन बने कैसे? अपने परम पिता को देखें कैसे? अपन को भी नहीं देख सकते, अपने बाप को भी नहीं देख सकते, अपन तो है ही आत्मा। बाप है परमपिता परमात्मा और दुनिया में जो भी सभी चीजें हैं उन चीजों को इन आंखों से देख सकते हैं। बाकी आत्मा और परमात्मा बाप को नहीं देख सकते, परमपिता को नहीं देख सकते। और भक्ति मार्ग में जो पूजा की है वो भी तो बड़े लिंग की है, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। देखने में तो दोनों नहीं आते, तो लिंग को देखने के आदि हो गए हैं, बड़े रूप को देखने के आदि हो गए हैं। लेकिन आत्माओं का जो बाप है उस बाप को इन आंखों से नहीं देख सकते। क्योंकि जन्म जन्मांतर बड़े लिंग की पूजा की है, इसे साबित होता है कि बड़े रूप को सहज याद किया जा सकता है। क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है और सूक्ष्म आत्मा को अथवा आत्माओं के बाप को देखना कठिन हो जाता है। बाप तो बिंदी है, उनका अपना साकार शरीर तो नहीं है। अगर बड़ा हो आत्माओं का बाप, अगर बड़ा हो तो क्या अड़चन आवेगी? प्रवेश कैसे करेगा? प्रवेश तो कर ना सके। आत्मा भी छोटी है और ज्योतिबिंदु आत्माओं के बाप परमात्मा बाप को भी आकर पढ़ाना पड़ता है। जैसे खुद ज्ञान का सागर है तो आत्मा भी ज्ञान धारण करती है। अपन को बच्चे भूलते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। इसलिए याद के लिए पहला फाउंडेशन क्या है? है अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझना, नहीं तो याद करने में कठिनाई हो जाएगी, याद करने में तकलीफ महसूस करेंगे। भुलाने वाली माया है, अभी बाप ने परिचय दे दिया है कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, स्टार है, इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। हाँ, आत्मा को जाना जाता है,
ये समझना है, जैसे आत्मा बिंदी है, बाप भी बिंदी है। आत्मा बिंदी और आत्माओं के बाप ज्योति बिंदी को याद करना है। दोनों को याद करना है। क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप बहुत तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको हाथ भी नहीं जोड़ने देते हैं। मुरली के अंत में क्या कहते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को खुद नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं, अर्थात झुकते हैं। किसके द्वारा? साकार के द्वारा नमन करते हैं। लेकिन नमन करने वाला कौन है? निराकार आत्मा है, वो निरहंकार है। नहीं तो गुरु लोगों में तो बहुत अहंकार होता है, क्योंकि सब गुरु लोग साकारी हैं। और वो सदगुरु निराकारी निरहंकारी निर्विकारी है। तो देखो, तुमको हाथ भी नहीं जोड़ने देते, पांव भी नहीं पड़ने देते, तो तुम हाथ किसको जोड़ते हो? नमस्ते किसको करते हो? है? अरे नमस्ते करते हो या नहीं? साकार को करते हो, शिव बाबा को करते हो। शिव बाबा है हमारा बाबा, परंतु वह तो साकार निराकार का मेल है। सुप्रीम सोल तो बिंदी है, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, तो इन द्वारा हाथ जोड़ना पड़े। किन द्वारा? इस द्वारा नहीं कहा, सिर्फ इन द्वारा, अर्थात माता पिता के रूप में जिन साकार के द्वारा पाठ बजाते हैं, उन राम कृष्ण की आत्माओं के द्वारा हाथ जोड़ना पड़े। नहीं तो वह कैसे समझे कि शिव बाबा इन द्वारा जोड़ते हैं? शिव बाबा तो है ऊंच ते ऊंच परम पिता। जब ऊंच ते ऊंच परम पिता कहा, तो बुद्धि कहां चली जानी चाहिए? परम धाम में जानी चाहिए या इस साकारी दुनिया में रहनी चाहिए? परम धाम में ऊंच नीच होता है? होता है वहां तो ऊंच नीच की बात ही नहीं। ऊंच नीच कर्म कोई परम धाम में थोड़े ही होते हैं। रिगार्ड डिसरिगार्ड की बात परम धाम में नहीं है, कहाँ है? साकार दुनिया में। तो उनको कहा जाता है शिव बाबा, ऊंच ते ऊंच परम पिता। परम शब्द
इस साकार दुनिया के लिए लागू होता है। अर्थात परे ते परे स्टेज में रहने वाला, यूं तो आत्मा आत्मा को नमस्ते करती है, नमस्ते आत्मा ने कहा और मुख से आत्मा को कहा। ये आदत भी अभी बाप ही आकर के डालते हैं, कहते हैं अपन को छोटा बड़ा भाई भाई समझो, छोटे बड़े तो होते ही है ना, कोई कोई बच्चे दो एक साथ पैदा हो जाते हैं तो भी छोटे बड़े तो होते हैं है ना, एक सेकंड का अंतर तो होगा, तो बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है, देखा जाता है उनमें बड़ा कौन। यहाँ बड़ा किसको माना जाता है, बड़ा भाई वो जो ज्ञान और योग में तीखा हो। ये नहीं कहा सर्विस और धारणा में तीखा हो, धारणा में अगर देखा जाए तो बाहर की दुनिया के सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य कोई कोई बड़े तीखे होते हैं, भाव स्वभाव में कितना लचीलापन देखा जाता है। तो बोला बड़ा उसे कहेंगे जो ज्ञान में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा होगा तो याद में भी जरूर तीखा होगा। ज्ञान सिर्फ बोल बोल को नहीं कहा जाता है, शक्ति स्वरूप में भी देखने में आवे, वाचा में भी देखने में आवे। बच्चे एक दो को देखते हैं तो बाप कहते हैं भाई भाई को देखो, भाई को नमस्ते करो, ये तुम्हारे आर्गन्स हैं, परंतु काम तो आत्मा करती है ना। तो बाप कहते हैं ये पक्का करो, क्या सवेरे सवेरे उठते उठते पहला संकल्प पक्का करो, क्या मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। ज्योति बिंदु बाप का बच्चा हूँ, वो आत्माओं का पिता तो आत्मा ही है, वो शरीर नहीं है, उनको अपना शरीर नहीं है, वो अशरीरी है। ये बात भी पक्की करो, बाप दादा आए हैं, इस दादा में बाप ने प्रवेश किया है, क्या प्रवेश करने वाला कौन है, है? बाबा प्रवेश करता है, शिव बाप ने प्रवेश किया,
प्रवेश करने वाला बाप है और जिसमें प्रवेश करते हैं वो कौन है? है पहले पहले जिसमें प्रवेश करते हैं वो कौन है? है जगदम्बा, बड़ा भाई जगदम्बा। तो पहले ही स्त्री पुरुष बनाई दिया, पहले पहले भाई भाई या पहले पहले भाई बहन? भाई भाई, भाई, भाई। तो आत्माओं के बीच में देखा जाए तो शिव भी आत्मा है परंतु परम शक्तिशाली है, परम पाठधारी है। वो प्रवेश करता है तब शक्तिशाली है, तब ही परम पाठधारी है। तो कौन है जिसमें पहले प्रवेश करता है? प्रजापिता राम वाले, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, सारी मनुष्य सृष्टि उसको मानती है। एडम क्रिश्चियंस में, आदम मुसलमानों में, आदिनाथ जैनियों में, आदिदेव हिंदुओं में। वो बेहद का बाप बेहद के हीरो पाठधारी में प्रवेश करते हैं। तो कहेंगे आत्म की स्थिति के हिसाब से बाप ने दादा में प्रवेश किया। तो कौन हुआ दादा? प्रजापिता को कहेंगे दादा। परंतु दादा तो दुनिया में कहा जाता है दादागिरी दिखाने वाले को, है? दादा किसे कहते हैं? बड़े भाई को, बड़े भाई को भी कहते हैं, लेकिन बड़ा भाई दादागिरी दिखाता है कि नहीं छोटे भाइयों के ऊपर? है? दिखाता तो है। फिर रूहानी स्टेज कहें या जिस्मानी स्टेज कहें? जिस्मानी स्टेज हो जाती है। बाप तो प्यार का सागर है या दादागिरी दिखाने वाला मार का सागर है? प्यार का सागर। इसलिए ब्रह्मा का पार्ट है महाकाल का, धर्मराज का धर्म की धारणा करने वालों में सबसे तीखा कौन? ब्रह्मा बाबा। कहेंगे ब्रह्मा की आत्मा। अम्मा कहो, बड़ी अम्मा कहो, घर परिवार में भी देखा जाए तो धारणाओं में ज्यादा सहन शक्ति किस में देखने में आती है? माताओं में। माताओं? तो ये भी मनुष्य सृष्टि का परिवार है। सब परिवार में जिस आत्मा ने धारणा की शक्ति का आगार बन करके दिखाया वही फिर धर्मराज भी बनता है। बाप ऐसी धारणाएं नहीं धारण करता जो धर्मराज भी बनना पड़े। बाप सदैव प्यार का सागर है। वो प्यार का सागर
कभी मार का सागर नहीं कहा जा सकता। तो तुम बच्चे कलप में एक ही बार बाप दादा कहते हो, और कोई ऐसे कह भी नहीं सकता। बेहद का बाप आकर के कहते हैं, बच्चे अपन को आत्मा समझो और मुझे बाप को याद करो। परमधाम में बैठे बैठे नहीं कहते हैं, कहां आकर के कहते हैं, इस साकार सृष्टि में आकर के कहते हैं अपन को आत्मा समझो, क्योंकि तुम अपन को देह समझ बैठे हो। जानते हो बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। सर्व का सदगति दाता या सिर्फ सनातन धर्म की आत्माओं का सदगति दाता? क्यों सदगति का भी अर्थ है। एक होती है गति और एक होती है सदगति। गति कहा जाता है चाल को, चाल कोई की तीव्र होती है, कोई की मध्यम होती है, कोई की बहुत धीमी होती है। आत्मा जब जड़त्वमयी बन जाती है तो कहा जाता है पत्थर बुद्धि। कैसी चाल होगी? धीमी चाल होगी। उस जड़त्वमयी आत्मा को, पत्थर बुद्धि आत्मा को शिव बाप आकर के चैतन्य बनाते हैं। इतना चैतन्य बनाते हैं कि एक सेकंड में ऊंची से ऊंची स्टेज मुड़ जाती है। तो कहेंगे गति आ गई या गति मिल गई, परंतु उसे सच्ची गति नहीं कहेंगे, क्योंकि सच्चाई है तो सच्चाई के साथ अपोजिट में क्या है, झूठाई भी है तो सच्चाई है, झूठा नहीं है तो सच्चाई भी नहीं है। रावण राज्य है तो राम राज्य भी है, लेकिन ये परमधाम की बात है, आत्माओं की दुनिया की बात है या इस दुनिया की बात है? इस दुनिया की बात है। तो गति सच्ची गति देते हैं, बाप आकर के सदगति देते हैं और मनुष्य गुरु आकर के दुर्गति देते हैं। कोई न माने तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री देख ले, कोई भी कौम में इन गुरुओं की हिस्ट्री देख ले। इन गुरुओं ने मनुष्यों की दुर्गति की है या सदगति की है? एक एक मनुष्य मात्र की मेंटेलिटी गिरती जाती है। हिस्ट्री इस बात की गवाह है। तो बाप कहते हैं कि मैं आकर के सबकी सदगति करता हूं, ऐसे नहीं कि सिर्फ सनातन धर्मियों की सदगति करता हूं।
देवताओं की सदगति करता हूँ या सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की सदगति करता हूँ? नहीं, मनुष्य मात्र की सदगति करता हूँ। और ये भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ मनुष्यों की सदगति करता हूँ। पांच तत्वों की सदगति नहीं होती है क्या? मनुष्यों के आधार पर सारी मनुष्य सृष्टि की सदगति हो जाती है। मनुष्य ही है जो मन बुद्धि वाला प्राणी है। मन बुद्धि के आधार पर, एकाग्रता के आधार पर सारी दुनिया के वायुमंडल को कंट्रोल कर लेता है। तो जितने भी और जीव जंतु हैं, या जड़त्वमयी पदार्थ हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश हैं, उनकी भी सदगति हो जाती है। हाँ, कोई की कम और कोई की ज्यादा, ये भी अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। सब मनुष्य पुकारते हैं ओ गॉडफादर। फादर क्यों कहते हैं? ना ना चाचा काका ताऊ क्यों नहीं कहते हैं? बाप क्यों कहते हैं? कोई कारण होगा, क्योंकि बाप से ही जन्म मिलता है और बाप से ही वर्षा मिलता है। कोई नाना चाचा काका ताऊ से वर्षा नहीं मिलता है। तो फादर वो जरूर है, वो होते हैं हद के फादर। एक जन्म का वर्षा देंगे, अल्पकाल का वर्षा देंगे, देंगे देंगे न भी देंगे। हाँ, कहेंगे देह का वर्षा तो सबको मिलता है। कोई बाप के पास धन नहीं होगा तो धन कहां से देगा? लेकिन तन का वर्षा तो सबसे मिलता है। लूला लंगड़ा भी मिले, वो अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब, वो हद का वर्षा है। और बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है, वो बेहद का वर्षा देते हैं। देह का कनेक्शन एक जन्म से है, देह के बाप से एक जन्म का वर्षा मिलता है, और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। तो बेहद के बाप से अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। हाँ, उन अनेक जन्मों में बाप से प्राप्ति करने के जन्म पक्की पक्की सदगति वाले जन्म है। कोई कोई एक जन्म का वर्षा मिलता है, कोई कोई 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, एक जन्म का सुख का वर्षा हर आत्मा को मिलता है। पहले जन्म में कोई को दुख नहीं हो सकता। तो देखो, बेहद का फादर क्राइस्ट को नहीं कह सकते,
बल संसार की 200 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं जो क्राइस्ट को अपना फादर मानती हैं, परंतु वो भी हद है, बेहद तो नहीं कहेंगे। गॉड को ही फादर कहा जाता है, कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो, क्राइस्ट को नहीं कहते हैं हे क्राइस्ट लिबरेट करो। लिबरेट भी किससे करेंगे, दुखों के बंधन में सांप जकड़े हुए हैं तो दुखों से लिबरेट करेंगे, परंतु ये नहीं जानते हैं कि दुख कौन देता है और कैसे देता है। कौन देता है, रावण? रावण कौन कहेंगे, ये देहधारी धर्म गुरु झूठे होने के कारण झूठी बातें बताते हैं, कहेंगे शिवो अहम ब्रह्मास्मि, भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में है तेरे में है, तेरे में तू नहीं जानता मेरे में है मैं जानता हूं। भगवान बनकर के बैठ जाते हैं, फिर जब बीमार पड़ते हैं तब मुख से निकलता है ओ गॉडफादर। तो उनको अपना एहसास तो होता है, परंतु अहंकार के कारण अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने बखान नहीं करते, तो झूठ खंड का मालिक बनते हैं और झूठ खंड के मालिक बनाते हैं। झूठ खंड है द्वैतवादी युग, उसका नाम ही रखा गया द्वापर। दो दो बातें चलती हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो कुल, हर बात में द्वैतवाद पैदा करते हैं। एक गुरु एक बात बताएगा, एक रास्ता बताएगा, दूसरा गुरु दूसरा रास्ता बता देगा। तो बाप समझाते हैं वो भटकाते हैं, भक्त बनाते हैं, भगाते रहते हैं, मंदिरों में भागो, मस्जिदों में भागो, गुरुद्वारों में भागो, तीर्थों में भागो, भक्ति सिखाते हैं। तो समझो कि भक्ति किससे आती है, भक्ति आती है जो अनेक प्रकार से अनेक बातें करते हैं। कहते हैं दुबोहा है, एक मुंह से नहीं बोलता है, अरे ये तो 10 मुख वाले हैं। उनको रावण कहा जाता है। दुनिया में भी बड़े बड़े 10 धर्म फैले हुए हैं, देवी देवता सनातन धर्म भी प्राय लोप नहीं हुआ है, वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी देवताएं थे, अभी भी यदा कदा कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स देखने में आते हैं। फिर बाद में आते हैं इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियंस वगैरह वगैरह। भक्ति मार्ग में
उनों के जो मुखिया हुए हैं उन मुखियाओं को दशावतार भगवान के रूप में दिखाई दिए हैं कि भगवान दस अवतार लेते हैं। सिखों में भी कितने गुरु गिनाए दिए है? दस गुरु गिनाए दिए। तो बाप बताते हैं ये गुरु साहब दुख देने वाले हैं, गलत रास्ता बता करके भ्रमित कर देते हैं। ये दुख अभी रावण के राज्य में तुमको मिलता है। कहते भी हैं ये तो राक्षस रावण राज्य है, परंतु समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते हैं है? इसलिए नहीं समझते हैं कि कल्प की आयो लाखों वर्ष समझ लेते हैं, ये नहीं जानते कि दुखों की दुनिया में दिन गिने जाते हैं, समय की गिनती होती है, और सुख की दुनिया में कोई दिन नहीं गिनता है, समय की गिनती की परवाह नहीं रहती है। इस बात पर कोई का विचार ही नहीं जाता कि दुनिया में जितने भी संवत हुए हैं, ईसा संवत हो, विक्रम संवत हो, शक संवत हो, हिजरी संवत हो, वो सारे ही संवत 2500 वर्ष के अंदर के हैं। ये दुखों की दुनिया में दिन गिनने की परंपरा शुरू होती है। तो 2500 वर्ष है दुखों की दुनिया, दुख का राज्य, रावण का राज्य, अंधकार का राज्य। कोई भी सच्चाई को नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इसको भी पता नहीं है कि एक ही परमपिता परमात्मा है जो इस दुनिया में आकर के सुखधाम की स्थापना करते हैं। वो ही सुख का सागर है, बाकी सब गुरु लोग दुख के सागर हैं। तो बाप समझाते हैं अपनी देह सहित सभी संबंधों को छोड़ दो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बंगी हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, ये सब देह के संबंध हैं, देह के धर्म हैं। इन सब को छोड़कर अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, पक्का कर दो कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा अविनाशी हूं, मैं आत्मा भी अविनाशी हूं, मैं आत्मा छोटी बड़ी नहीं हूं कि किसी जन्म में छोटी हो जाऊं, किसी जन्म में बड़ी हो जाऊं, नहीं, मेरा दिव्य जन्म है और अलौकिक जन्म है। इस लोक में जैसे बच्चा जन्म लेता है, मैं आत्मा ऐसे जन्म नहीं लेती हूं। मुझे आत्मा को परमात्मा बाप से परिचय मिलता है, ये मेरा दिव्य जन्म है। और मुझे आत्मा को अपने अनेक जन्मों की सच्चाई का पता चलता है,
ये मेरा दिव्य जन्म है। अनेक जन्मों के पार्ट की अनुभूति होती है, ये मेरे दिव्य जन्म की सच्चाई है। ये ब्रह्मा भी पहले कुछ नहीं जानता था, अभी तो ये भी जानता है। क्या? कि मैं कृष्ण वाली आत्मा हूं, सृष्टि का पहला पत्ता हूं, मुझे ही ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। ये ज्ञान की समझानी कौन देते हैं? इन ब्रह्मा को ये ज्ञान की समझानी साक्षात्कार से मिलती है। मीरा को साक्षात्कार हुए, तुलसीदास को हुए, सूरदास रैदास को हुए, उनको अपने जन्मों की जानकारी मिली क्या? तो इन ब्रह्मा को ये जानकारी किसने दी? है? ये समझानी कोई ने तो दी होगी, साक्षात्कारों से तो इनको जानकारी नहीं मिली। गुरुओं के पास भटकते रहे, विद्वानों के पास भटकते रहे, तो कोई तो निमित्त बना होगा। तो बाप ही आकर के ये समझानी देते हैं, और कोई भी सत्संगों आदि में ये ब्रह्मा का चित्र तुम नहीं देखेंगे। क्या? पांच मुखी ब्रह्मा का चित्र देखेंगे, पंचानन कहा जाता है, चार मुखी ब्रह्मा का चित्र देखेंगे, चतुरानन कहा जाता है, परंतु कोई भी सत्संग में दादा लेखराज को ब्रह्मा के रूप में चित्रित किया हुआ नहीं देखेंगे। इस चित्र में समझानी है, ये त्रिमूर्ति का चित्र भी नया है। भी क्यों लगा दिया? ब्रह्मा के चित्र के मुकाबले त्रिमूर्ति का चित्र नया है, ऐसे क्यों बताई दिया? दोनों में अंतर है क्या? त्रिमूर्ति के चित्र में जो ब्रह्मा की मूर्ति और जो ब्रह्मा का चित्र यहाँ दिखाया जाता है, उस मूर्ति में कोई अंतर है क्या? है? अंतर है, तभी यहाँ भी लगाया गया। ये त्रिमूर्ति का चित्र भी नया है, भल वह त्रिमूर्ति दिखाते हैं भक्ति मार्ग में या बीके में, जो प्राइमरी नॉलेज उठाने वाले भक्त हैं, अधूरी नॉलेज उठाने वाले ब्राह्मण हैं, वो त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु उसमें शिव को नहीं दिखाते हैं। कि शिव बाबा कौन है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये द्वारा द्वारा तो दिखाते हैं। क्या? मीडिया कह के बताते हैं, परंतु कराते कौन है?
कराने वाला चाहिए प्रैक्टिकल में या नहीं? इन ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, दुनिया में ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी देखने में आते हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बनाए हुए, प्रैक्टिकल में देखने में तो आते हैं, कोई मना तो नहीं कर सकता, परंतु उन दादा लेखराज ब्रह्मा से ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना कराते कौन है? ये काम कराना किसने शुरू किया? शिव बाबा, शिव बाप, वो फुदक फुदक के बिंदी, बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, वो फुदक फुदक के ब्रह्मा बाबा द्वारा कराते हैं। हाँ, ब्रह्मा की बुद्धि में भी कोई ने ये बात समझाने दी कि तुम्हारा पार्ट ब्रह्मा का है, तुमको ब्राह्मण धर्म की स्थापना करनी है, तुमको कृष्ण के रूप में सृष्टि के पहले पत्ते के रूप में सत्ययुग में जन्म लेना है, तुमको प्रिंस बनना है, ये नहीं कहा, तुमको नर से नारायण बनना है, क्या कहा? तुमको नर से प्रिंस बनना है। तो बताओ इन्हों को ऐसा किसने बनाया कि दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म गुरु कार्य नहीं कर सका, ऐसा संगठन कोई ने भी नहीं बना पाया जैसा इस ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना का कार्य हुआ? ये बात कोई जानते ही नहीं है। बाप समझाते हैं, न जानने का कारण है, पतित भ्रष्टाचारी बुद्धि, इसलिए कोई भी पतित पावन बाप को नहीं जानते, बाप को खुद ही आकर के अपना परिचय देना पड़ता है। सब पापी हैं, पाप ही करते रहते हैं, भगवान के लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है, कितनी ग्लानी कर दी है, ये ग्लानी दुनिया वालों ने कर दी है कि ब्राह्मणों की दुनिया वाले ब्राह्मणों ने भी कर दी है, है? वो कहां कहते हैं सर्वव्यापी है, वो कहता है मुख से नहीं कहते, चलो ठीक है, मुख से ही नहीं कहा जाता, कर्मों से भी कहा जाता है, तो क्या कर्म करते हैं जो सर्वव्यापी बाप साबित होता है? है दृष्टि देते हैं, चित्र दिखाते हैं, क्योंकि बाप कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, परंतु किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? पतित मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि अगर सुधरी होती तो कितने कितने धर्म पिताएं आए इस सृष्टि पर, उनकी दृष्टि से सृष्टि सुधर जानी चाहिए ना। ये सृष्टि तो और ही मेंटलिटी के आधार पर बिगड़ती चली गई। अभी बाप बताते हैं ये सब ग्लानी करते हैं, दृष्टि के आधार पर ही ग्लानी करते हैं, वाचा के आधार पर जो ज्ञान सुनाते हैं वो भी मिक्स करके सुनाते हैं,
दूध के भरे घड़े में एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सारा विष बन जाता है। ऐसे ही ये जो कुछ सुनाते हैं उसमें विष ही विष भर देते हैं। ऐसे करते करते पाप आत्मा बन पड़े, बाप के लिए भी झूठ बोल देते हैं कि सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी नहीं है मुख से कहते हैं तो फिर बताना पड़े एक व्यापी कहाँ है। अगर एक व्यापी नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, नहीं साबित कर सकते तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? सर्वव्यापी साबित हो जाता है। फिर चित्र भी छपाते हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, उनमें बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं। उन पोस्टरों में ब्रह्मा का चित्र भी हटाए कर अपना चित्र रख देते हैं, विष्णु और शंकर की जगह पर भी अपना चित्र रख देते हैं। तो त्रिमूर्ति शिव कौन साबित हुआ? वो शिव तो त्रिमूर्ति के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। संसार में प्रत्यक्ष होता है तो तीन मूर्तियों के द्वारा विश्व विजय करके दिखलाता है। इसकी यादगार आज भी झंडा बना हुआ है, विश्व विजय करके दिखलावे, नहीं तो कपड़े के झंडे ने विश्व विजय नहीं की। ये दीदी दादी दादाएं जो त्रिमूर्ति बन करके बैठ जाते हैं वो विश्व विजय नहीं करते। शरीर छोड़ते जाते हैं, विश्व विजय रह जाती है। जैसे ब्रह्मा का शरीर छूट गया, विश्व विजय तो नहीं हुई। इससे साबित होता है कि जिन तीन शरीर रूपी वस्त्रों ने विश्व में विजय प्राप्त की है वो तीन शरीर रूपी वस्त्र यज्ञ के आदि में भी थे, और वो ही आत्माएं दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आती है और विश्व विजय का कार्य संपन्न करके दिखाती है। तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव बाप। ओम शांति।